हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल एके टेक्निकल अर्निंग में। फ्रेंड्स, अधिकतर ऑडियंस तो एके टेक्निकल अमृत से ही आए होगी, क्योंकि वहाँ हमारी मेन ऑडियंस रहती है और वहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये चैनल क्यों बनाया आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैंने देखा है कि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी ऑडियंस बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मतलब यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप लोग कमेंट पे पूछते हो, इंस्टाग्राम पे अगर पूछते हो ऐसे थंबनेल कैसे लगाते हैं या फिर वीडियो में व्यूज़ कैसे लाएं, यार ऐसे नॉर्मल से बातें आप लोग पूछते हैं यूट्यूब के बारे में। तो मैं सोचा कि यार एक ऐसे चैनल की भी हमें ज़रूरत है जिसमें मैं आपको स्पीच दूँ यूट्यूब के बारे में, कुछ बताऊँ, कुछ न्यू चैनल ग्रो करने के बारे में कोई ट्रिक बताऊं, या फिर आपको व्यूज़ कैसे लाते हैं, ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, और उन चैनल्स में तो हम ये सब बातें कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो चैनल जो है दूसरे कैटेगरीज के हैं। और आप लोग कहेंगे कि आप एके टेक्निकल हेल्पर को व्लॉग चैनल क्यों बना दिया। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक व्लॉग चैनल बनाओ, तो मैं सोचा व्लॉग चैनल बनाने में बहुत झंझट होगी, तो मैंने पहले उसी को व्लॉग चैनल बना दिया। और मैं देखा कि आप लोगों का प्यार भी व्लॉग चैनल में बहुत अच्छा खासा आ रहा है, तो मैं सोचा चलिए उसको व्लॉग चैनल के लिए ही छोड़ देते हैं। फिर आज मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना आप लोगों को एक यूट्यूब हेल्प के रूप में एक यूट्यूब के लिए भी चैनल बनाऊं। यूट्यूब मतलब आपको यूट्यूब के बारे में उसमें चीज़ें बताऊं कि या फिर वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका, मैंने अपना चैनल किस तरह से ग्रो किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर बताऊँगा। तो इस कारण से मैंने ये चैनल बनाया। अब तो आपको समझ आएगा कि मैंने इस चैनल को क्यों बनाया। और जो भी लोग इस चैनल पर आए हैं, जल्दी से जल्दी सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूबर हो नहीं हो, जो लोग यूट्यूबर हैं वो तो सब्सक्राइब करेंगे, अगर नहीं भी हो तो भी हो सकता है आप यूट्यूबर बन जाओ इस चैनल को देखकर, क्योंकि यूट्यूबर बनने में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और आजकल ऑनलाइन अर्निंग कैटेगरी हो गई है, मतलब कि सभी लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, घर में बैठे बैठे पॉपुलर होना चाहते हैं, तो उसके लिए यूट्यूब जो है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो जो लोग भी मतलब सब्सक्राइबर नॉर्मल सब्सक्राइबर है, यूट्यूबर नहीं है, तो वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना, आपको यूट्यूब से रिलेटेड न्यू चीज़ें जानने को मिलेगी, हम यूट्यूबर्स के बारे में भी आपको कुछ जानने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले तो बताऊं कि मेरा चैनल मैंने कब स्टार्ट किया था। तो मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2019 में, लगभग हमारे 2 साल होने वाले हमारे चैनल को एके टेक्निकल अमृत। हमारा फर्स्ट चैनल था, कोई भी चैनल मैंने चेंज नहीं किया, हमारा फर्स्ट चैनल था और वही हमारा एक चैनल अभी तक है, और उसका मैंने नाम भी चेंज नहीं किया। एक बार मैंने चैनल का बैनर चेंज किया था। तो दोस्तों, उसको मैंने ग्रो कैसे किया, यार मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की। सबसे पहले मैं बताऊँ मैं यूट्यूब में क्या करने के लिए आया था। तो दोस्तों, मैं देखा करता था मनोज से अलग अलग अर्निंग कैटेगरी, मतलब दूसरे लोगों की वीडियोस देखा करता था कि हम यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं, मतलब यूट्यूब में क्या फ़ायदा है आने से। तो मैं देखा कि वो लोग कहते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं, किस तरह से वीडियो अपलोड करके पैसे कमाए थे। और मैं इसी कारण से आया था कि मैं यूट्यूब में जाकर, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो आपको शोर आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज़ पर फोकस कीजिए। तो मैं यूट्यूब में आया था पैसे कमाने के लिए, तो यार मैंने सोचा था कि पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे यूट्यूब से। फिर मैं आया, मैं आप मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करना, मैं आया यूट्यूब में पैसों के लिए। मैंने 2 महीना काम किया, इसी तरह से प्रोजेक्ट वीडियो डालता था। उस टाइम मेरे प्रोजेक्ट वीडियो चली नहीं ज़रा भी, और वही 10-15-20 व्यूज़ आते थे। और अर्निंग तो मतलब कि आने के बाद पता चला कि यूट्यूब में कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें होती है, तब मुझे बहुत दिक्कत हुई यूट्यूब में आए तो। तो फ्रेंड्स, मुझे यही सारी दिक्कतों का शुरुआत में सामना करना पड़ा, और मैं आया था पैसे कमाने के लिए, तो मैंने यूट्यूब का छोड़ दिया। 2 महीना काम किया, फिर देखा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। और आपको बहुत सारे क्रिएटर ने कहा होगा कि अगर आप पैसे के लिए आओगे तो यूट्यूब में टिक नहीं पाओगे, उसी तरह से मैं भी पैसों के लिए आया था, मुझे पैसे नहीं मिले 2 महीने में, मैं चला गया यूट्यूब छोड़कर। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार दिन भर फ्री ही तो बैठा रहता हूँ, और यूट्यूब में फिर मैं ये इस इरादे से आया कि यार मुझे पॉपुलर होना है, मुझे यूट्यूब में फेम बनाना है अपना, मतलब कि ऑडियंस बेस बनानी है। तो मैं आया, उसके बाद भी मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा भटका, मतलब इधर उधर भटका बहुत ज़्यादा। अब आपको मैं बताऊँ तो मैं यूट्यूब में बहुत लगभग अभी तक हर टॉपिक को ट्राई कर चुका था। मैं यूट्यूब में सोच रहा था यार किस टॉपिक से मेरा चैनल ग्रो हो जाए, जैसे कि सबसे पहले मैं यूट्यूब टिप्स दिया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तू तो छोटा यूट्यूबर, तेरे यूट्यूब टिप्स सुनेगा कौन, तुझे तो नॉलेज ही नहीं होगी। तो फिर मैं उन लोगों की, मैंने उसके ऊपर भी 100-200 वीडियोज़ बनाई, फिर छोड़ दिया। अब आप लोग कहोगे कि तेरे चैनल पे तो 100-200 वीडियो है ही नहीं, तो मैंने वो सारी वीडियोस डिलीट कर दी है जो फालतू वीडियोस है। आप चैनल पे एके टेक्निकल अमृत चैनल पे नीचे जाओगे तो आपको अभी कुछ वीडियोस यूट्यूब टॉपिक पे और अलग अलग टॉपिक में मिलेगी, बाकी बहुत सारी वीडियोस मैंने डिलीट कर दी, नहीं तो अभी मेरे चैनल पे 500 वीडियो होती। तो अभी तो ज़्यादा वीडियो नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट की वीडियो आपको मिलेगी उस पर। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। अब वो लोग कहते थे कि यूट्यूब टॉपिक, मतलब यूट्यूब टॉपिक का वीडियो बनाओगे तो तेरी बातें कौन सुनेगा, तू तो अभी खुद ही छोटा यूट्यूबर है। तो मैं सोचा ये भी सही बात है कि मैं खुद ही छोटा यूट्यूबर है, मेरी बातें कौन सुनेगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, रोस्टिंग ट्राई कर ली, यहाँ तक कि मैं रोस्टिंग तक कुछ ट्राई कर लिया, रोस्टिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, मतलब आलतू फालतू जितनी भी चीज़ें मैं सब यूट्यूब में ट्राई कर ली,
अंत में मैं आपको बताऊँ मैं कहाँ पर आया। जो काम मैं YouTube में करने के लिए आया था वही चीज़ पर मैं वापस आ गया। मैं YouTube पे आया था प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि शुरू से मुझे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में इंटरेस्ट था। मोटर वगैरह से उल्टे पुलटे काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। तो आखिर में मैं आ ही गया उसी लाइन पे जिस लाइन पे मैं आना चाहता था YouTube में सबसे पहले। आखिर में लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाली बात हो ही गई मेरे साथ। आज मेरा चैनल आप देख लो AK टेक्निकल अमृत को, अभी वो ग्रो हो चुका है मेरे हिसाब से जितना मैं चाहता था, उससे मुझे कहीं ज़्यादा मिल गया है। अभी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और अभी हमें बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरू ही हुआ है हमारा वो चैनल। तो यही मेरी कहानी थी पूरी चैनल ग्रो होने की। और शुरुआत में कुछ कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने शुरुआत में समर भाई का टाइटल लगाया था। तो जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोज़ वैसे तो कोई देखेगा नहीं, न्यू यूट्यूबर की वीडियो वैसे कौन देखता है, किसके पास जाएगी मेरी वीडियोज़। तो मैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाता था और मेरी मेहनत ऐसी धरी की धरी रह जाती थी, कोई व्यूज़ नहीं आता था। तो समर भाई का नाम आप लोग डेली सर्च करते हो, बहुत सारे लोग हैं जो समर भाई का नाम सर्च करते हैं और उनकी वीडियो देखते हैं। तो मैंने टाइटल में उनका नाम लगाना शुरू कर दिया। अब इसमें कोई भी गलत काम नहीं है, छोटा यूट्यूबर ये कर सकता है। अभी अगर मैं बताऊँ तो मेरा चैनल की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा नाम सर्च करके वीडियोज़ को देखते हैं। तो मैंने देखा है कि जो भी मैं मतलब चैनल जैसे मेरा व्यूज़ आता है चैनल पर, मैं जब एनालिटिक्स में जाता हूँ तो वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ सर्च से आए होते हैं। और लोग क्या सर्च करके मेरी वीडियो देखते हैं मैं आपको बताऊँगा। तो लोग हमेशा सबसे ज़्यादा यही सर्च करते हैं AK टेक्निकल अमृत सर्च करके ही मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी कई दूसरे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो मेरा टाइटल लगाते हैं, AK टेक्निकल अमृत टाइटल लगाने से उनके व्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको ज़रा भी मना नहीं करता, क्योंकि मुझे भी किसी ने मना नहीं किया था। मुझे भी समर भाई ने मना नहीं किया था कि तुम मेरा टाइटल मत लगाओ, मैंने उनका टाइटल लगाया। और अभी जो लोग मेरा टाइटल लगाते हैं मैं उनको भी मना नहीं करता, मुझे पता है कि सबको ग्रो करने का हक है। तो इसी तरह से वो मेरा टाइटल लगाते हैं, उनका वीडियो भी रैंक करता है इस वक्त। तो इस तरह से एक छोटे यूट्यूबर को मतलब कि कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, ट्रिक ढूंढनी पड़ती है। अब यूट्यूब में सबके बातें सुनने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने भी यूट्यूब मनोज दे की बहुत सारी वीडियोस देखी, पर मुझे लगता नहीं मनोज दे की वीडियो से मुझे ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा हुआ है। खुद ही अपना यूट्यूब में दिन भर दिमाग दौड़ाने से मतलब दिन भर आपको यूट्यूब में टाइम ज़रूर देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। आपको इधर उधर देखना पड़ेगा, लोगों की वीडियोस भी देखनी पड़ेगी, लोग क्या बोल रहे हैं उनकी बातें समझो। और जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, मनोज देव चाहे दूसरे यूट्यूबर जो यूट्यूब टिप्स देते हैं, सभी की बातों को मैच करो कि कौन आदमी कौन सी बातें बोल रहा है, जो सेम बातें बता रहे हैं उसी एक बात पर फोकस करो। जो वो लोग सेम बातें बता रहे हैं उसी पर फोकस आपको करना चाहिए, तो उसी तरह से आपका चैनल ग्रो हो सकता है। तो फ्रेंड्स बस यही कुछ मैंने जो आपको शुरुआत में बताया उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है यूट्यूब में। और बाकी वीडियोस वगैरह तो आपको देखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए। और अब इस चैनल पे आपको यही चीज़ें तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका चैनल कैसे रैंक कर सकता है, मेरा कैसे किया था जैसे आपका भी कर पाए। तो बस यही चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेगी। वीडियो शुरुआत में ही काफ़ी लंबी बन चुकी है, फर्स्ट वीडियो ही है काफ़ी लंबी बन चुकी है। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं बहुत थैंक यू आप लोगों का। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सभी लोग सब्सक्राइब करना, एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट सभी लोग कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बटन को दबाकर ऑल पर जरूर सेट कर लेना, तभी मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं।